नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत करता हूँ आप सभी को फिर से एक नए ब्लॉग में। और आप सब पिछला ब्लॉग देखे होंगे जो मैं अजमेर से 5 किलोमीटर पीछे रुका हूँ एक मंदिर में, आप सबको दिखाए हुए थे। तो अभी बस सोके उठे हैं और सामान सब अभी ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ दिख रहे हैं, बस समेटेंगे और आगे जाकर किसी पेट्रोल पम्प वगैरह पर फ्रेश व्रेश होंगे। ठीक है, यहाँ पर तो कुछ ऐसा है नहीं ये होने के लिए, डेली रूटीन ऐसा ही चलता है। तो सामान सब पैक कर लिया हूँ, पूरा बांध दिया हूँ, देख रहे हैं ना। बढ़ते हैं अजमेर की तरफ और यहाँ पे कैरियर लगाना है। यहाँ पे जैसे कि आप सबको पिछला ब्लॉग में बताए हुए थे कैरियर लगाना, तो एक आगे में कैरियर लगाना है जिससे ये वाली जो बैग है ना ये रख सकूँ यहाँ पे। ठीक है, और भी कुछ कुछ सामान सब रख सकूँ। पीछे में बहुत ज़्यादा वेट हो जा रहा है ना, अगर आगे में भी लगा देंगे कैरियर तो वेट जो है ना वो इक्वल हो जाएगा, बराबर के आसपास हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, लगा देते हैं आज और बोर्ड भी बनवाना है। ऑल इंडिया साइकिल राइडर। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। चलिए आज का राइड भी स्टार्ट हो चुका है और रात में हम यहाँ पे एक अन्नपूर्णा ये है रसोई घर है वहाँ पे खाना खाए थे। ठीक है, तो फ्री में खाना खिला दिए थे। प्लेट चलता है 8 रुपये चलता है, 8-10 रुपये चलता है एक प्लेट का, लेकिन फ्री में खिला दिए रात में, थैंक यू। पूरा अजमेर सिटी के बीच में एक झील है भाई साहब, बताता हूँ थोड़ा सा साइड में लेता हूँ। मुझे श्रीनगर में जो डल लेक है ना उसका याद दिला दिया है। यहाँ पे अपना कर्मा है, वाह क्या मस्त जगह है, मस्त जगह। लेकिन और एक चीज़ था, श्रीनगर में ये सब गंदा नहीं था लेकिन यहाँ पे गंदा दिख रहा है। श्रीनगर में जो डल लेक है उसमें कोई गंदा नहीं था, पूरा फ्रेश पानी था, यहाँ पे गंदा दिख रहा है। और चारों साइड से सिटी है, बीच में लेक, वाओ। ये झील का नाम है अन्ना सागर। तो अभी अन्ना सागर झील के पास में है भाइयों और बहनों। ठीक है, अभी मुझे एक शॉप के पास में जाना है, साइकिल शॉप जो कि पप्पू भाई मुझे भेजे हैं वो शॉप, तो उनके पास में जाना है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर के आसपास में। ठीक है, तो हम अभी लेक के परिसर में आ गए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सा गार्डन बना हुआ है और यहाँ पर बैठ सकते हैं आराम से। ठीक है, वहाँ पे यदि बोटिंग वगैरह भी हो रही है लेकिन हम करेंगे नहीं, बस ऐसे ही घूमने हैं, साइकिल तो ऐसे ही छोड़ दी वहाँ पे। अरे चीता 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 है ना, शायद चीता ही है, अगर हाथ डालेंगे तो काट लेगा क्या, देखें। अरे रे रे रे, तो ये है अन्ना सागर झील। ये चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है, ये पहाड़ का जो व्यू है ना बहुत ही मस्त लग रहा है सच में। ये पहाड़ का व्यू जो पीछे में दिख रहा है ना आप सभी को, बहुत ही मस्त लग रहा है ना, अन्ना सागर झील। हाँ यही वाला है ना घाट। नमस्ते, हेलो 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 हेलो, कॉल आया था मेरे पास। अच्छा अच्छा अच्छा, स्टोर खोलते हैं। तो भाई साहब अभी मैं शॉप में हूँ। ठीक है, ये है 91 का शॉप, वर्ल्ड साइकिल, देख सकते हैं आप सब। नाइस, बाईसाइकिल ही बाईसाइकिल है। अरे भाई साहब क्या चेहरा लग रहा है अपना, मस्त चेहरा लग रहा है, तो फोटो खींच लेते एक। वाह बहुत सुंदर, यहाँ पे तो BMW गाड़ियाँ, मर्सिडीज, ऑडी कारें भी है, टॉय कार। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो भाई साहब यहाँ पे स्वागत किया गया है, देख रहे ना, कमल सर है ये शॉप के ओनर है, वो साइकिल वर्ल्ड करके, तो इन्होंने स्वागत किए। चलिए उनसे मिलाता हूँ आप सभी को। ठीक है, अच्छा लगा उनसे बातें करके। और यहाँ पे कमल सर जिन्होंने मुझे स्वागत किया, थैंक यू सो मच सर। हेलो, थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड रेस्ट ऑफ जर्नी के लिए भी आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हो, आपका ये टूर जो भी है अच्छा रहे, और वेलकम अजमेर। और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो और आप शेयर कर सकते हैं, हालांकि मैंने आपका जो भी आपने बोला वो जी जी कर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिल करके, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा। और सर का शॉप तो पहले भी दिखाएं आप सभी को, बहुत ही सुंदर है,
और ऊपर में भी है, बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ पे अब यहाँ से आगे निकलेंगे पुष्कर के लिए, पुष्कर से फिर जोधपुर, उसके बाद में आगे जाते रहेंगे, आप सभी को बताते रहेंगे। तो ये यही तो खुशी मिलती है ना यात्रा में, ना जानते हुए भी लोग जानने लगते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है ना, यही तो खुशी देती है ना, ना जानना पहचान फिर भी इतना मान सम्मान, समझ रहे ना, इतनी खुशी मिलती है। तो ठीक है कमल सर से बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और अभी निकल पड़े हैं पुष्कर के लिए जहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहीं पे एक बार लोकेशन चेक कर लेते किधर से जाना। तो अभी मैं अजमेर में ही हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक जहाँ पे नंबर प्लेट वगैरह बनता है ना गाड़िया का, वहीं पे आया हूँ। ये अंकल है, ये बना रहे हैं अपना बोर्ड, ठीक है, पहले तो स्टिकर निकलेगा अपना। तो फाइनली बोर्ड बनवा लिया हूँ, ये देखिए ठीक है, वी वांट टू सी, ठीक है, और सूरज रियल ब्लॉक ये आगे का है, और पीछे में ये देखिए, पीछे में ये लिखाया हूँ, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं, खाना वाना खाएंगे फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, चलते खाना खाते पहले। को बोले हुए थे ना जो आगे में भी कैरियर लगाना है, वो मैं लगा रहा हूँ, यहाँ पे एक अंकल है तो वो फिटिंग करेंगे। मैं कैरियर खरीद लिया हूँ, ये वाला कैरियर देखिए, ये कैरियर मैं खरीद लिया हूँ, तो इसको आगे में फिक्स करेंगे अंकल के द्वारा, ठीक है। अंकल बोल रहे हैं मैं फिक्स कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो मैं साइकिल शॉप पर गया, बोले नहीं हमसे नहीं होने वाला है, फिर अंकल का दुकान दिखा, बोले मैं कर दूँगा, ठीक है कर दीजिए। कपड़े तो अंकल का हो गया 120 रुपया, तो हम बोले 100 कर देते हैं, तो बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 100 कर दे रहे हैं, पूरा अच्छे से फिक्स हो गया है ना। अब यहाँ पे भी कुछ कुछ सामान रख सकते हैं, वेल्डिंग हो गया है, इसको मैं खोल भी सकता हूँ यहाँ से नट बोल्ट के द्वारा, मैंने नट बोल्ट से टाइट हुआ है, ठीक है, इसको मैं खोल के हटा भी सकता हूँ। ये है अपना, अरे भाई भाई अच्छा लग रहा है ना, चढ़ाई है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं लग रही है, लेकिन है थोड़ी पहाड़ चढ़ना शुरू, वहाँ जा रहा है उधर, तकलीफ में रहता कोई मैं देखा नहीं जाता। मैं समझ रहा हूँ, मैं लिफ्ट नहीं लेता हूँ, मैं अपने ये पे जाता हूँ, आप मत करिए, सब मत करिए, प्लीज यार। मैं समझ रहा हूँ आप हाथ जोड़ रहा हूँ, ये मत करिए, रुकिए रुकिए, मुझे हेल्प करना बड़ा अच्छा लगता है, समझ रहा हूँ, लिफ्ट के लिए बार बार फोर्स कर रहे हैं, ठीक है, जो लिफ्ट ले लो लिफ्ट ले लो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ देता हूँ, मतलब एक रस्सी है यहाँ पे वो पकड़ लो तुम, आइए वो पार कर देता हूँ, लेकिन नहीं मैं ऐसे ही ट्रेवल करता हूँ हर जगह पे एक सेल बिल्कुल बिल्कुल, भैया बोल रहे रस्सी पकड़ लो, लेकिन नहीं अपने दम पे जाना है ना, है ना भाई साहब, हालत ख़राब हो रही है चढ़ चढ़ के, प्लस में धूप लग रही है, ऊपर से जैकेट पहना हुआ हूँ, गर्मी अलग से लग रही है। एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ से पूरा, ये देखिए सामने पूरा अजमेर शहर दिख रहा है ना, और बीच में जो झील है वो भी दिख रहा है, शायद अब ज़्यादा नहीं, बस यही लास्ट पॉइंट है। अब सर डाउन ही डाउन है, बोला गया था 3 किलोमीटर चढ़ाई है, लेकिन लगा नहीं मेरे को जो 3 किलोमीटर चढ़ाई है, ठीक है, ज़्यादा चढ़ाई नहीं था, बट कोई ना अभी उतरने का मजा ले रहा हूँ चढ़ाई चढ़ाई तो ख़त्म, अभी फिलहाल उतरने का मजा ले रहा हूँ। ओहो भाई साहब, अभी मैं जा रहा हूँ ब्रह्मा जी के मंदिर, ठीक है, जो कि दुनिया का इकलौता सा मंदिर है ब्रह्मा जी का, और वो भी हमारे भारत में ही है बस। वाह मस्त जगह है यार, जहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगी हुई है,
नहीं पता था मुझे, थैंक यू। लेकिन यहाँ आने के बाद में पता चला है भाई, यहाँ पे तो अलग ही माहौल है। ऊपर से ज़्यादा फॉरनर यहीं पे दिख रहे हैं मेरे को अभी यहाँ। तो फाइनली यहाँ दर्शन करके आ गया हूँ श्री जगत पिता ब्रह्मा जी का, ठीक है। और जब मैंने उन्हें बताया अंदर में जो मैं साइकिल से आया हूँ यहाँ पे, तो ये प्रसाद मिला है मंदिर की तरफ से, ये उन्हें चढ़ा हुआ प्रसाद है, जो कि बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। यहाँ पे आने के बाद में ये प्राप्त हुआ है मुझे, बहुत ही अच्छा लगा उनका दर्शन करके भी, ठीक है। अब यहाँ से निकल रहे हैं, हाँ लोकेशन भी आ चुका है जहाँ पे मुझे जाना है, ठीक है। आज जहाँ पे मैं स्टे करेंगे वहाँ का लोकेशन भी आ चुका है, भैया भेज दिए हैं, जितेंद्र भैया, ठीक है। और चलते हैं अभी यहाँ से, यहाँ पे अपना कर्मा है गले में, अरे गले में डाल के वहाँ से ये मोदी जी जलगांव से मोदी के पास ही है। अच्छा अच्छा किलोमीटर बाकी है शायद। मैं आ गया हूँ उस जगह पे जहाँ पे भैया का लोकेशन आया है मेरे पास, शायद यही है। मैं कॉल कर लेता हूँ एक बार, कंफर्म कर लेता हूँ कॉल करके। ये सावित्री वैली रिजॉर्ट ना, मैं गेट के पास में हूँ, ठीक। नमस्ते भाई, कहाँ से आ रहे हो? मैं बिहार से आ रहा हूँ। बिहार से आ रहा हूँ जी। लो रेस्ट कर लो, थैंक यू सो मच भाई। के 8:30 बज रहा है, जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, 8:30 बज रहा है। और मैं फ्रेश फ्रेश होकर के आ गया हूँ और यहाँ पे खाना भी आ चुका है, दिख रहे ना।